Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जिनकी छाया है इसलिए धूप से बच रहे हैं हम सब। आप मुरझा जाएंगे तो हम सब। पिता का प्यार मिला है आपसे, समझिए। जिज्जी खड़ी है आपके सामने हाथ जोड़े, माफ कर दीजिए। अरे बहू, ये हाथ वात मत जोड़। देखो बेटा, हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करो। इतने सालों में हमने कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम्हें कुछ कहा? शादी के 6 महीने के बाद अशोक ने हमें बताया था कि तुम ये समाज सेवा वाला काम करती हो और आगे भी करना चाहती हो। तो हमें लगा कि एक लड़की समाज के लिए इतना सोच रही है तो घर के लिए क्या नहीं करेगी, और तुमने किया। लेकिन बहू, इस बार ना हद ही हो गई। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पार करने से पहले यह सोचना होता है कि तुम क्या वचन देके इस घर में आई थी। 7 फेरों के समय तुमने वचन दिया था ना कि सबसे पहले अपने पति और उसके परिवार के बारे में सोचोगी, तो तुम ये वचन कैसे भूल गई बहू? और वो भी उस लवारिस के लिए जिसके न बाप का पता, न घर का पता, न ठिकाना। मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा मत कहिए। आप मिलेंगे ना तो जानेंगे, बहुत ही प्यारा बच्चा है, संस्कारी है। अरे हमें नहीं मिलना उस लवारिस से। देखो बहू, अगर तुम्हें हमसे माफी चाहिए तो तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। बाबूजी, आपकी हर बात सिर माथे पर, बस एक दिन का समय दे दीजिए मुझे। क्यों, एक दिन से क्या हो जाएगा? वो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने वाला है आज, वो मिल जाए उसके पिता से, एनो से। अरे कौन है उसका पिता? वही बात पता चलेगी कृष्णा के बर्थ सर्टिफिकेट से। एक बार वो पता चल जाए तो उसके पिता से एनओसी ले लूंगी, फिर कृष्णा को गायत्री को सौंप दूंगी, और उसके बाद कृष्णा से कभी नहीं मिलूंगी। हे भगवान! क्यों, मतलब इस लड़के से हमें कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली? ससुरा ऐसा इंतजाम किया है कि हमारे आसपास ही मंडराता रहेगा। कहाँ खो गए? मैं यशोदा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। आज के बाद कृष्णा का कोई भी मैटर इस घर में नहीं आएगा। तुम क्यों चौधरी बन के बीच में पड़ रहे हो? जिसने गड्ढा खोदा है वही भरेगा। मैं वचन देती हूँ बाबूजी, एक बार कृष्णा को उसका परिवार मिल जाए फिर कभी नहीं मिलूंगी कृष्णा से। अब क्या कहें, कृष्णा ना हो गया, हमारा सगा हो गया। उसकी वजह से घंटे भर से घर में कैं कैं मची हुई है। ससुरा अपने घर में अपनी ही नहीं चलती। ठीक है, करो अपने मन की। एक बात याद रखना, इस घर की एक एक ईंट हमारी है, बोले चाहे कोई भी, लेकिन चलेगी हमारी ही। जो नियम है वो नियम है, उन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, नहीं तो 1 मिनट में सब बराबर करके रख देंगे। बस बात खत्म। तुम ये हर टाइम ताना मत मारा करो यार। बाबूजी, सारा पैसा बड़े भैया लगा दिया, थोड़ा ध्यान देते हैं नाम पे, आज हम भी कलेक्टर होते। बाबूजी को ना सब पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। समझे? क्या मतलब? इधर देखो, क्या मतलब? तुम्हारे ना सारे रिजल्ट्स देखे हमने, कोई कमाल नहीं किए हो। दुकान मिल गई है ना,
गनीमत समझो। यार तुम ना हमारी हिम्मत पस्त कर देते हो। देखना देखना एक दिन जब हमारा टाइम आया तब क्या करेंगे हम। इतने सालों से तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर लोगे? घर है ना, उसी के हिस्से के बारे में सोचकर खुश रहो। और किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि अशोक भैया का कोई बेटा नहीं है। दूर हो गए अम्मा आप तकलीफ। कृष्णा आपका पोता है। से आप लावारिस अनाथ कहते थे ना, उसका पिता कोई और नहीं। आपका बेटा है। मिस्टर अशोक गुप्ता पन नाजायज बेटा। जी ठीक। थैंक यू डॉक्टर। अब बता क्या हुआ? बर्थ सर्टिफिकेट भाभी के हाथों लग गया क्या? तुझे भी पता चल गया इस बारे में? गायत्री से बात हो रही थी तो पता लगा। तू यहाँ पर आया तो तेरी ये हालत थी। थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया था। स्ट्रेस बहुत है यार। तुझे पता है आज सुबह अम्मा भाऊजी को यशोदा जी कहने ही वाली थी कि कृष्णा माला का बेटा है। मैं जानता हूं मैंने कैसे करके रोका है। टेंशन मतलब दुनिया में एक ही माला है क्या? हजारों होंगी। होगी यार, मेरी जिंदगी में तो एक ही माला है ना जिसे अम्मा भाऊजी ने ठुकरा दिया था। और अगर ये बात घूम फिर के किसी भी तरह से यशोदा जी के कान तक आ गई तो वो आगे का गणित खुद लगा लेगी कि कृष्णा मेरा बेटा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। अभी ये बर्थ सर्टिफिकेट का चक्कर मेरे सर पर आकर नाच रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहती हैं यशोदा जी, सच हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारता है। सच कहती है। अशोक, तेरे केस में ये झूठ वैसा झूठ नहीं है। अपने परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। उसके बाद बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं काम करने। हमने बात कर ली है इनके लिए, करोड़ों रुपया छाप देंगे हैं? भैया लेकिन हमको ना भूल जाना। कैसी बात है, रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आते हैं। भाई हमने अपना काम कर दिया है, बाकी का तुम देख लो। बहुत खुशी हो रही है जीजा जी मुझे। आपने मेरी बात को समझा, उसे गंभीरता से लिया और मैं जानता था आप हल्के लोगों में से नहीं है। अपने सोनू के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे। अरे क्यों नहीं कर गुजरेंगे, भैया है हमारा, हमारे खानदान का चिराग। तभी तो मुझे लगा कि चिराग सही जगह रोशन हो और मैं जानता हूं आप उस चिराग में तेल डालने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चिराग में तेल डालने वाला हम क्यों कमी रखेंगे? हमारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि फीस वीस हम भरेंगे। अरे तो आप अपने खानदान के चिराग का तेल, मेरा मतलब है पीस किसी और से दिलवाएंगे। मैं क्या आपको जानता नहीं हूँ? आप एक घोर स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। और जीजा जी आप मुझे बताइए मैंने कब कहा कि फीस मैं भरूंगा? क्यों जी कब कहा मैंने? ये कहा था कि ये ब्रोशर जो है ये सोनू के लिए लाए हैं। उसी के लिए लाए हैं?
ब्रोशर उसी के लिए लाए, पर फीस का कब का? हाँ, हमें भी याद नहीं आ रहा कि ऐसी कोई बात भी थी। हो गई ना हमारी बेइज्जती, इसीलिए बुलाई थी तुम हमको कम्मो। अब हम जा रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे। अरे अरे दामाद जी, बात ही तो हो रही है, आप तो नाराज हो गए, बैठिए ना, बात करते हैं। क्या फायदा ऐसे घर में बैठ के जहाँ दामाद की इज्जत ना होती हो। भाई हमने तो ये सोचा कि मामा को मौका मिल गया है भांजे की मदद करने का, समाज में इनकी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन मामा है, मामा को बुरा लग रहा है, अच्छा एक जमाना नहीं है। भैया सोनू चलो तुम आओ। अरे रुकिए तो। अरे छोड़िए। जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। अरे ठीक है, मैं सोनू की फीस भरने के लिए तैयार हूँ। ये बात, ये होते हैं असली वकील, देखा बेटा मामा को अपने। आओ। लेकिन जी ये ना संभव तभी हो पाएगा जब वो मल्टीनेशनल कंपनी मुझे अपॉइंट कर लेगी। देख लेंगे कोर्ट में, क्यों शोक? और ऐसी सूरत में बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। अरे पता तो चलता है उस कलाकार का नाम जिसने इतनी बड़ी रचना रची कि सारे न्योछावर हो रहे हैं उस पे। उस ससुरे के चक्कर में तो हमारा घर उजड़ जा रहा था। नहीं पता करना चाचा जी कि वो किसका बेटा है या उसका बाप कौन है। अभी की सच्चाई यही है कि मैं उसका पिता हूँ और गायत्री उसकी माँ। बस एक बार उसको अपना लें फिर तो उसके बाप। अरे चूल्हे में गया उसका बाप। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे घर से ये मुसीबत टली। एक बात याद रखना सब, उस लड़के का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। और बहू तुम उस अनाथ कृष्णा से कभी नहीं मिलोगी, कभी शक्ल नहीं देखोगी उसकी, समझी? जी बाबूजी। हाँ पता नहीं आज कितनी खुशी दी है तुमने मुझे। तो इस खुशी को आगे बढ़ाते हैं और अनाथ आश्रम जाकर गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कृष्णा ने वैसे ही बहुत तकलीफ झेल ली। चलो यशोदा। आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं मतलब तू भी तैयार नहीं था ना कृष्णा को गोद लेने के लिए, तो मुझे लगा पता नहीं। हाँ नहीं था, पर चैम्बर में जब तुझे उस हालत में देखा लगा कि तुझे खो दूंगा। बस एक पल समझ में आया कि तुम लाइफ में कितनी अहमियत रखता है, तेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं मेरी जी, कुछ भी नहीं। थैंक यू। तुम्हें सही मौके पर आकर बचा लिया, नहीं तो कैसे नहीं बचा था? कोई और रास्ता था क्या? बहुत बड़ा बोझ था सीने पे, तुमने एक झटके में खत्म कर दिया। मुझे जाने दो हेमू। मुझे मत मारो हेमू। तुम्हें बुरा सपना देख रहे हो, अगर तुम उठ जाओगे तो सपना टूट जाएगा। उठ जाओ हेमू, उठ जाओ। ए उठ जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या भीड़ लगा रखी है, भागो ऐसे। मैडम हेमू अभी नींद में कुछ बोल रहा था। कैसे बोलेगा बेटा, तुम तो खुद समझदार हो, गहरी नींद में सो रहा है वो तो। नहीं ये अभी बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। मैडम मैं इसे पूछ रहा हूँ तो ये जवाब भी नहीं दे रहा। अरे तो जब जाग जाएगा तब पूछ लेना। देखो इसकी कितनी हालत खराब हो रही है, इस वक्त इसको आराम की जरूरत है ना, इसको आराम करने दो फिर बाद में पूछ लेना। चलो ए चलो जाओ ऐसे, भीड़ हटाओ ऐसे, भागो। कृष्णा जाओ बेटा, तुम भी जाके आराम करो। हाँ ये जब जाग जाएगा तब पूछेंगे। जाओ बेटा, मैं हूँ ना, मैं हूँ।
वो अंग्रेजी की बुक मंगाई थी ना, वो अंग्रेजी की बुक पढ़ो तुम, जाओ अच्छे से पढ़ना। हाँ निर्धारी, हो गया। अरे ओ बछड़े, अगर तूने किसी से कुछ भी बोला ना तो तेरी जबान काट के तुझे बाजार में बेच दूंगी। फिर जिंदगी भर बोलने के लिए तरसता रहेगा, समझा? तो एक शब्द भी नहीं। गिरधारी, कमरे को लॉक कर दे। यशोदा भाभी को बुलाना चाहिए। वो यशोदा की बात मानेगा? ट्राई करने में हर्जी क्या, वो कृष्णा को हमसे ज्यादा जानती है। ये कहीं गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। कृष्णा, कृष्णा, दिखाई दे रहा है तुम्हें खेलने की कितनी जल्दी है? वर्ड्स भाग रहे हैं, देखो। वर्ड्स के कोई पैर होते हैं क्या मम्मी जो भागेंगे? बेटा, भागने के लिए पैरों की नहीं इरादों की जरूरत होती है। मजबूत इरादे, है ना मम्मी? आपने बताया था मुझे। अच्छा, तुम्हें मेरी हर बात याद रहती है? मुझे भी। तुम्हें भी? तुम्हें भी रहती है? हेलो, ले गए गायत्री और मनोज भैया कृष्णा को अपने घर? अरे कहाँ ले गए, वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा है, ऊपर से अपने आप को कमरे में बंद और कर लिया। कृष्णा, गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी। ऊपर तक शिकायत करूंगी मैं। सरासर गुंडागर्दी है भैया ये तो। अरे आश्रम की शांति भंग की जा रही है। हाँ भैया, ना मुझे डर नहीं चाहिए, दूसरी माँ नहीं चाहिए, पिता, मुझे पिता शब्द से ही नफरत है। कृष्णा मत करो ऐसा। अशोक जी, देख लेना कहीं खुद को चोट ना पहुंचा ले कृष्णा। अरे चोट पहुंचा ही रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन तो मैं बताती हूँ क्या करें। पैर उठाइए, पैर उठाइए, मुंह उधर घुमाइए और निकल जाइए। बाकी बच्चा तो हमारा ही है, जैसा भी है हमारा ही है बच्चा तो बस। हाँ कृष्णा, सुन रही है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। आप एक काम करिए, आप तुरंत आ जाइए यहाँ पर। मैं कैसे आ सकती हूँ बाबूजी? कृष्णा मत करो ऐसा। आप तो आवाजें आ रही है ना, वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा है और ऊपर से अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। आप तुरंत आ जाइए। नहीं अशोक जी, कुछ भी हो जाए बाबूजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगी। घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अपने अनाथ आश्रम में डाला है ना, तो यहीं रहने दीजिए मुझे। मुझे माफ कर देना कृष्णा, गलती हो गई मुझसे। मेरी गलती है कि माला को दिए हुए वचन को पूरा करने की चाह में मैं भूल ही गई कि तुमसे भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। पर कृष्णा, तुम्हारी माँ का सपना था तुम बहुत बड़े वकील बनो, या इस अनाथाश्रम में रह के वो नहीं पूरा हो पाएगा। और उसे पूरा करने के लिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अपनी माँ का सपना मैं खुद पूरा करूंगा अपनी मेहनत से। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी और को माँ नहीं कहूंगा। नहीं चाहिए मुझे दूसरी माँ। आप सब यहाँ से चले जाइए, प्लीज आप सब चले जाइए यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे कृष्णा, और बिना तुम्हारी मर्जी के कोई तुम्हें अडॉप्ट नहीं करेगा। तुम जैसा कह रहे हो बस वैसा ही होगा, प्रॉमिस। और इस बार सोच समझ के प्रॉमिस दे रही हूँ कृष्णा। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हो, रिश्ते मन से होते हैं, मन के होते हैं। जोर जबरदस्ती से बने तो रिश्ते थोड़ी ना होते हैं, है ना कृष्णा? बहुत नाराज होना मुझसे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। विश्वास रखो तुम पे अब कोई जोर नहीं डालेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। उसके जीवन की वो कमी गायत्री के जरिए पूरी करने की कोशिश की, उसे तो दूसरी माँ चाहिए ही नहीं। इस मामले में ना एक के बाद एक बस गलतियां करती रही मैं। कोई गलतियां नहीं करी आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की भलाई के लिए सोचा। माला को दिए हर एक वादे को आपने बखूबी निभाया यशोदा जी। पर आप और बाबूजी भी सही कह रहे थे, ज्यादा ही कृष्णा कृष्णा कर रही थी मैं। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम इंसान है, किसी की तकदीर बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, औकात नहीं है हमारी। यशोदा जी इधर देखिए। अरे अरे नहीं 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 नहीं, चुप चुप, ऐसा नहीं है। माला को दिया हुआ वचन भी पूरा कर, ऐसा मत कर। कृष्णा के दिल से अपनी लिए नफरत नहीं निकाल पाए। अशोक जी, मतलब बाप के नाम की जगह खाली है, कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं लिखाया, क्या थी माला? कितनी फिक्र थी उसे मेरी कि मेरा नाम बदनाम ना हो। जीते जीते उसने राज को राजी रखा, मरने के बाद भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि कृष्णा मेरा बेटा है।
अब समझ में आता है कि वो उस समय भी बिना बताए क्यों चली गई थी। इतना प्यार करती थी मुझसे कि उसने अपनी खुशियों को ही दांव पे लगा दिया, और मैं उसे गलत समझता था, जबकि वो बहुत महान थी, बहुत महान थी। अम्मा, क्या कह रही हो, ठूकने नहीं जाओगी? अब आप नाक भी रगड़ेंगे ना तब भी हम नहीं जाएंगे। बस बस कम्मा, यही बात तुम्हारी ना हमको अच्छी नहीं लगती है। आज की तारीख में सफल वही है जो थूक के चाटना जानता है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी के अकेले अशोक का हक है, तुम्हारा भी बराबर का हक है। रुपया पैसा सोना चांदी जेवर लत्ते सब पे बराबर का हक है। और हम तो कहने तुम बार बार जाओ। अगर बार बार नहीं जाओगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि अशोक तुम्हारे बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प ले, डकार जाएंगे। और इस जन्म में कम से कम सांस नहीं लेंगे, वो जान लीजिए आप। जन्म से याद आया, आज तो बाबूजी का जन्मदिन है। अरे तो वो फिर चली जाओ। हम तो जाएंगे पर आप नहीं जाओगे ना, इतनी बेइज्जती हो गई है। अब कोई महाढीठ, कोई चिरी मिरी आदमी होगा तो ही जाएगा। यही बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लगती हमको। हैं? क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे। मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि तुम अकेले चली आई और दामाद जी नहीं आए? हम जाएंगे। इतनी बेइज्जती के बाद तो जरूर जाएंगे। नीट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारा कार्ड। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बनाया है। ऐसा क्या है? सच में है ना? बहुत सुंदर। हाँ दादी, ये देखो। वाह शाबाश। थैंक यू दादी। सब इन झूठियों की तारीफ करता है, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। अरे सोनू बेटा, ये तो सब कॉमन सेंस की बात होती है जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। अरे जब दो बच्चों की तारीफ हो रही है तो एक इतना प्यारा भोला सा अच्छा बच्चा बैठा है तो उसका दिल ना दुखाए ना। लेकिन नहीं, आस्था, नुपुर, एक काम करो, एक कार्ड में ना सोनू भैया का भी नाम लिख दो। हम नहीं लिखेंगे। क्यों? कार्ड हमने बनाया, हमारा ही नाम रहेगा इस पे। अरे इतना बड़ा कार्ड है, कहीं कोने में लिख दो सोनू भैया का नाम। तुम्हारा बड़ा भैया है ना, लिख दो लिख दो लिख दो। सोनू भैया ने उस दिन दीदी को साइकिल धोने चलाने दी। हम नहीं लिखेंगे। और क्या, हम नहीं लिखेंगे। ये लो, आदत नहीं सु बनाने की भाई, पर एक बात पूछे, कैसी शिक्षा दी तुमने अपने बच्चों को है? कि बड़ों की बात न सुने। जिद्दी सोनू को भी समझ में आना चाहिए, शेयरिंग नहीं करेगा तो उससे भी कोई शेयरिंग नहीं करेगा। और सोनू बेटा कार्ड ही तो है, बना ले तू, है ना? सेरी।
लड़की जात चाहे कितना कुछ भी कर ले लड़कों से कमी रहती है। चलो माफी मांगो भैया से, चलो माफी मांगो भैया से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।